सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को, दबाएं बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरके सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और जैसे कि देख रहे हो आपके ये टीवीएस जुपिटर का इंजन है, यानी इंजन देख रहे हो कि ये क्रैंकशाफ्ट है। ऑयल काफी काला हो चुका था इसमें, तो क्रैंकशाफ्ट इसकी ठीक है, इसमें प्ले नहीं है बिल्कुल। फ्रेंड आज की वीडियो में फ्रेंड ये बताऊंगा कि इसका हाफ इंजन खोला मैंने, क्या क्या पार्ट्स हैं, पार्ट्सों का नाम क्या है और क्या क्या चेंज करूंगा मैं इसमें हाफ इंजन में, ठीक है। वैसे तो ये आप देख रहे हो कि इसकी टाइम इंजन है, फिलहाल वही है जो टीवीएस में लगी हुई आती है वही है। और इसका ये हेड हो गया, हेड कुछ दिखने का इस हिसाब का है जो काफ़ी अलग टाइप का है थोड़ा और गाड़ियों के हिसाब से, क्योंकि और ये इसके हेड के बाल्ब हैं जो हेड के बाल्ब खराब हो गए हैं बिल्कुल बुरी तरीके से, ठीक है। ये वाल्व जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये खराब कम हुआ है, और ये जो इनलेट वाल्व है ये खराब ज़्यादा हुआ है, और ये चेंज करूंगा मैं, इसको नए डालूंगा। ये कंप्रेसर जो आए हैं फ्रेंड, इसके वाल्व जो आए हैं ये देख रहे हो आपके इस पे BLW, ये कंपनी रिकमेंडेड वाल्व है, ये फर्स्ट टाइम इंजन खुला है और स्टैंडर्ड नंबर पिस्टन है। ये देखो ये सिलेंडर किट और इसमें ये पिस्टन है, पिस्टन काफ़ी लूज है, तभी जाके ये स्मोकिंग करती थी, क्योंकि पिस्टन लूज आने से फिर गाड़ी धुआं उठाती है, तो तब जाके प्लग शॉर्ट भी होते हैं और फिर स्मोकिंग भी होती है। तो फ्रेंड इसका पिस्टन काफ़ी लूज है और इसका पिस्टन पे कोई नंबर नहीं है, पिस्टन स्टैंडर्ड नंबर है, और ये TVS जुपिटर का पिस्टन है, ठीक है। और पिस्टन का लुक कुछ इस हिसाब से देख रहे हो आप, सीस के इस पे निशान नहीं है, सिर्फ जो पिस्टन पे पॉलिश लगा हुआ होता है वही छोटा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। किट आप देख रहे हो, किट कुछ इस हिसाब से दिखनी है जो काफ़ी ख़राब कंडीशन में नहीं है फिलहाल। अब ये बट्टी सट्टी तो लगी रहती है, ऐसा तो होता ही है जब पुरानी गाड़ियाँ होती हैं तो। और अब हम बात करते हैं इसका टाइम इंजन पैड की। ये TVS जुपिटर के जो टाइम इंजन पैड है, टाइम इंजन पैड इस तरह का दिखने का, कभी कोई भी पार्ट्स ढूंढना हो तो इस हिसाब से आप ढूंढ सकते हो। ये TVS जुपिटर का टाइम इंजन पैड है, नीचे साइड वाला जो नीचे लगता है, ठीक है। ये ऊपर वाला है, ऊपर इसमें 12 नंबर का बोल्ट है जो हेड में टाइट होता है, और यहाँ पर को एडजस्टर लगता है, ये वो सा पैड है टाइम इंच एंड पैड, ठीक है। ये होगा इसके दोनों पैड, और ये है इसकी कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट देख रहे हो फ्रेंड, क्योंकि मैंने इसके नट बोल्ट नहीं खोले, टाइम इंच एंड काफ़ी लूज हो गई थी, तो मैंने टाइम इंच एंड ऐसे ही निकाल ली जैसे पल्सर के टाइम इंच एंड निकालते हैं। ये जैसे पल्सर 150 की जो कैमशाफ्ट होती है वैसे ही इसमें सिस्टम है, बाकी थोड़ा लुक डिज़ाइन अलग है। और इसमें ये इधर 2-8 नंबर के बोर्ड लगे हैं, पत्ती लॉक लगी है और इस पर जो माइनस के निशान है, और यहाँ पर एक डाउल पिन भी लगी रहती है, वो तो अक्सर सभी TVS की बाइकों में होती है वो। और सही है फिलहाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बैरिंग पे बैरिंग फिलहाल ठीक है, बैरिंग की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बैरिंग फर्स्ट क्लास है। ये इसके कैप शाफ्ट है, देख रहे हो कैसे निकल रही काली बिल्कुल, क्योंकि ऑयल जो था इसमें काफ़ी बेकार हो गया था। फ्रेंड कैप शाफ्ट इधर रख दी, ये रबड़ है इसकी जो ऊपर हेड कवर में लगती है। ये टाइम इंजन एडजस्टर TVS का फिलहाल पलटेना का और TVS का सेम लग रहा है दिखने में फिलहाल, और थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसमें बाकी यही सिस्टम है, और इसका इधर से हाफ इंजन की कंडीशन देखो आप फ्रेंड, यहाँ पर इतना कचरा था, शायद उन्होंने काफ़ी टाइम से इसका काम कराया ही नहीं था बिल्कुल भी, बुरी तरीके से बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डस्ट जमा इधर, मट्टी सट्टी धूल वूल सब बहुत है इसमें बेहिसाब। फ्रेंड आप अपनी बाइक की या फिर आप अपनी गाड़ी की, कोई सी भी बाइक या स्कूटी हो तो आप अपनी गाड़ी का मेंटेन रखें और फिलहाल टाइम पे सर्विस कराएं और केयरफुल रखें, क्योंकि अगर ये देखो अब ये काफ़ी टाइम से, ये जो आप देख रहे हो स्कूटी काफ़ी टाइम से धोई नहीं है, काफ़ी टाइम से यानी सफाई नहीं करी, बिल्कुल वॉशिंग नहीं करी है, तो इसमें रिएक्शन क्या हुआ देखो फ्रेंड। इसके जो नट बोल्ट देख रहे हो आप फ्रेंड, नट बोल्ट जंग खा गए हैं बिल्कुल बुरी तरीके से, और अब ये खुलने के हैं नहीं, क्योंकि कुछ बोल्ट खुले भी नहीं थे तो तोड़ के खोलना पड़ा उन बोल्टों को। ये क्लिप जैसे आप इनको खोलेंगे तो खुल नहीं सकता, ये टूटेगा या काटना पड़ेगा। एक बोल्ट ये जो काफ़ी जंग लगा था तो इसको भी तोड़ के निकालना पड़ा वायर, ठीक है। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट करूँगा मैं, पत्ती का सिस्टम कोई ना कोई उपाय, और प्लस बाकी आप इसे वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि आपको वॉशिंग ज़रूरी करवानी है और मेंटेन ज़्यादा रखना है, नहीं तो ये जुपिटर जो है काफ़ी पुरानी नहीं है, देख रहे हो आप कंडीशन, इसकी कंडीशन बहुत बेकार है फिलहाल। और तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।